सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये है दुबई का स्टेशन RRTS का जो बनाया जा रहा है और उस पर तेज़ी के साथ वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों। और इसका जो प्लेटफॉर्म लेवल है उस पर टीन सेड का स्ट्रक्चर अभी ढांचा बनाया जा रहा, फिर उसके बाद में टीन सेड इस पर डाला जाएगा, यानी कि रूफ बनाने का काम चलेगा। और दोनों साइड में अभी एग्जिट और एंट्री पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जो कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था दोस्तों, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दुहाई स्टेशन से लेकर और मुरादनगर के स्टेशन तक के बीच में कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क चल रहा है दोनों स्टेशनों पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं और बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर दोस्तों। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत के चैनल पर पर देखते रहो। केपी संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दुहाई स्टेशन का वीडियो बना के दिखाया था, नीचे का भी और ऊपर का भी दोस्तों। तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पर जो दुहाई का स्टेशन है, जो कौन कौन से लेवल है उस पर अभी मार्बल का फ्लोरिंग का काम चल रहा है। और ऊपर स्टेशन के ऊपर आपको बताइए टीन सेड इस पर कनेक्ट किया जा रहा है, उसका ढांचा बनाया जा रहा है, फिर उसके बाद में आपको पता ही है। तो अभी इस पर दोनों काम हो रहे हैं। देखो, एक आपको बता दें, एक लेयर तो इस पर ब्लैक टॉप की पहले कर दी थी, दूसरी लेयर अब ये डाली जा रही है ब्लैक टॉप की। तो यहाँ पर ये रोड बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो जाएगी और ये कुछ दिनों में ये सेफ्टी बोर्ड हटा दिए जाएंगे यहाँ से, क्योंकि तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों। और तो आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे भी लगाए जा रहे हैं और इस पर ट्रैक स्लैब डाल के इस पर ट्रैक बिछाया जा रहा है दोनों साइडों में, लेफ्ट में भी और राइट में भी दोस्तों। तो बहुत तेज़ी के साथ में इस पर ट्रैक स्लैब बिछाने का जो वर्क चल रहा है वही चल रहा है तेज़ी के साथ में। तो देख सकते हैं लेफ्ट की लाइन चली जाती है डिपो के अंदर, राइट की वाली लाइन चली जाती है मेरठ के लिए दोस्तों डायरेक्ट। और आपको बता दूँ 30,772 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इसमें 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों। और आपको बता दूं कि ये 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। तो अभी इसकी मार्च में इसका प्रायोरिटी सेक्शन खोल दिया जाएगा, जो कि 17 किलोमीटर का पार्ट है, उस पर पहली बार रैपिड रेल चलाई जाएगी, उस पर वो चला जाएगा। और आपको बता दूं कि हमारे मेड इन इंडिया लेस है ये, आपको बता दूं कि ये एक सिटी से दूसरी शहर को जोड़ेगी, तो इसी वजह से इसकी कनेक्टिविटी फास्ट दी गई है दोस्तों। तो आपको बता दूं, देख सकते हैं ये ईस्टर्न पेरिफेरल है पीछे वाला, जो कि हमारे NCR का गोल चक्कर है। तो आपको बता दें यहाँ से लेफ्ट में ऊपर चढ़ जाएंगे, जो कि ग्रेटर नोएडा पलवल के लिए, और इधर हम निकल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आप लोग इन्जॉय करो और फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को दिखाते हैं, तो आप लोग इन्जॉय करो।
दोस्तों देख सकते हो ये अभी ट्रैक बिछा ट्रैक स्लैब अभी इस पर डाले जा रहे हैं और इस पर ट्रैक बिछाया जा रहा है। और देख सकते हो इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे भी उधर लगा दिए जा चुके हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे कहीं कहीं लगा दिए हैं, कहीं कहीं अभी लगाए जा रहे हैं तेजी के साथ में। तो इस पर यही कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पर। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर, और केपी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, तो दोस्तों देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं यहां पर मुरादनगर के स्टेशन पर दोस्तों। तो आप ही देख सकते हैं कौन कौन लेवल का जो मेन पॉइंट है स्टेशन का, कौन कौन लेवल उस पर नीचे का फ्लोरिंग हो चुका है। अब इस पर जो स्टेशन का पार्ट रहेगा उस पर फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है और इस पर गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है। तो इस पर अभी सेटरिंग लगाई जा रही है इस पर फ्लोरिंग करने के लिए। दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म लेवल का है उस पर इस पर फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है अब तेज़ी के साथ में। तो मैं दूसरी साइड में आ चुका हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो, केपी संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख सकते हो नीचे कौन कौन से लेवल की फ्लोरिंग हो चुकी थी पहले ही, और अब आगे मुरादनगर की जब हम नहर की साइड में चलेंगे उसकी साइड में कौन कौन से लेवल की भी फ्लोरिंग की जा रही है और प्लेटफॉर्म लेवल की भी फ्लोरिंग का काम चल रहा है अब तेज़ी के साथ में दोस्तों। तो ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और ये जो जगह है ये है मुरादनगर कुछ इस टाइप, यहाँ पर ये स्टेशन पर ये काम चल रहा है। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है उसका देख सकते हो, यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है और इस पर अब फ्लोरिंग का काम किया जाना है दोस्तों। देख सकते हो ये, और ये है मुरादनगर स्टेशन RRTS, और इधर ये बनाया जा रहा है एंट्री और एग्जिट पॉइंट। देखो अभी फ्लोरिंग का काम चल रहा है, ये सारे में फ्लोरिंग का काम चल रहा है अभी, वो सॉरी इस पर फाउंडेशन बनाया जा रहा है। और फाउंडेशन बना के उस तरीके से इसमें फिर इसमें कंक्रीट भरा जाएगा, ऊपर ये सरिये खड़े किए जाएंगे, और ऐसा ही बनाया जा रहा है उधर की भी साइड में। तो चलो दिखाते हैं और फिर आप लोग बताना। देख सकते हो अभी इस पर सारे पर ये फ्लोरिंग का ही काम चल रहा है इस साइड में। तो दोस्तों आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा केपी संत का, अच्छा लगा हो कमेंट कर देना, लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो दोस्तों, केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो देख सकते हो अभी यहाँ पर सारा ये फ्लोरिंग का ही काम चल रहा है स्टेशन के ऊपर। तो गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है और यहाँ पर स्टेयर बनाए जाएंगे। तो ये देख सकते हैं ये टिन लगाते हैं, टिन लगा के फिर इस पर फ्लोरिंग किया जाता है दोस्तों। तो आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा। दूसरा एंट्री और एग्जिट पॉइंट दूसरा इधर ये इस साइड में बनाया जा रहा है, ये देख सकते हो। और यहाँ पर इसमें अनियन है, देखो यहाँ पर ये लॉन्चर खड़ा किया गया था इस वजह से। और देखो आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये फाउंडेशन बना दिया जा चुका है एंट्री और एग्जिट पॉइंट का। देखो यहाँ पर ये फाउंडेशन बना दिया इन लोगों ने, और इस तरीके से यहाँ पर ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है।
तो देखो कैसी किस तरीके से ये खुदाई करते हैं, और खुदाई करके फिर ये फाउंडेशन बनाया जाता है, और फाउंडेशन बना के फिर इसमें पिलर ऊपर खड़े किए जाएंगे, फिर इसको इस स्टेशन से जोड़ा जाएगा। तो ये है सीन यहाँ का, देख सकते हो चारों तरफ। इसमें अभी फ्लोरिंग का काम चल रहा है, गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है, और ये जो जगह है ये है मुरादनगर, और ये पड़ता है गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया में आता है दोस्तों। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करें, और हमें लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के पी दंत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो और आते रहेंगे अब आप लोगों के बीच में। तो चलिए आप चलते हैं यहाँ से मोदी नगर के लिए, तो वो आप लोगों को दूसरी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर चलो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, आप सभी से तो इन्जॉय करो आप लोग, और चलते हैं।